दोस्तों जय भीम नवोदय। मैं नीलेश ओंकार जम्बुदी प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके लिए एहतियातन सभी जगहों पर लोग सतर्कता बरत रहे हैं। हमारे देश में भी करीब 147 मरीज हैं इसके चपेट में आ गए हैं, लाखों मरीज़ इसके चपेट में हैं दुनिया भर में और हज़ारों मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। हमारे देश में भी 3 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस के चलते। इसके चलते राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है और एहतियातन तमाम सरकारी दफ्तर जो है, कुछ दफ्तरों में कामकाज घर से करने के आदेश हैं तो कुछ दफ्तर बंद है, स्कूल कॉलेज तो पूरी तरह से बंद है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर इसके संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए कोई गाइडलाइन सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दी है। वो है दंत हॉस्पिटल, यानी कि डेंटल हॉस्पिटल। आज हम नागपुर के सबसे बड़े शासकीय दंत महाविद्यालय में हैं और यहाँ के लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे, इसकी आशंका जो जता रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि इसके संक्रमण की जो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो दंत हॉस्पिटल में है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो मरीज़ यहाँ पर आता है उसके डायरेक्ट मुँह को संपर्क करना पड़ता है, मुँह पर इलाज होता है और उससे अगर यहाँ पर कोई अगर संक्रमित व्यक्ति अगर आता है, मरीज़ आता है तो उसे किस तरह से बचा जाए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एहतियातन कोरोना वायरस के बचाव के लिए हम आज ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अभी अभी हमने डीन से भी बात की, अभी हमारे साथ एचओडी है, मुखरोग और यहाँ पे एक्सरे विभाग भी है, जहाँ पर जो भी डेंटिस्ट का जो मरीज़ है, डेंटल का जो मरीज़ है वो आता है तो उसके एक्सरे के लिए डायरेक्ट उसके मुंह में हाथ डालना पड़ता है और इससे मतलब कितना संसर्ग होने की कितने चांसेस है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है मैडम आपका। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये कोरोना वायरस का जो भय पूरी दुनिया में फैला है और सरकार ने गाइडलाइंस निकाली है, कई सारे दफ्तर बंद है, कई सारे स्कूल बंद है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है डेंटल और इसमें ज़्यादातर जो संपर्क होता है डायरेक्ट मरीज के मुंह से होता है तो कितना चांसेस है इसके संसर्ग होने का, आपको क्या लगता है? डेंटल डिपार्टमेंट से संसर्ग होने का पूरा 100% चांसेस है। अगर कोई पेशेंट आता है जिसको इन्फेक्शन है और अगर प्रोटेक्टिव केयर लेके अगर हमने उस पेशेंट को नहीं देखा तो पूरा 100% चांस है कि जो भी देख रहा है डॉक्टर उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसी के लिए हमने ऐसा किया है कि पेशेंट जो भी आते हैं उनको हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। उसमें मुख्य सवाल ऐसे है कि उन्होंने कहीं बाहर देश के बाहर से भ्रमण करके आए हैं या भारत देश में ही भ्रमण किया है क्या, फिर उनकी तबीयत ठीक है, उनको गले में दुखना या सांस में तकलीफ़, ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ पॉजिटिव है तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप एक हमारा कंट्रोल रूम फॉर कोरोना करके एक नंबर दिया गया हमको, हम वहाँ संपर्क करते हैं तो वहाँ से लोग आके उनको जो भी आगे टेस्ट कराना है वो सब कराते हैं। इसके अलावा जो रूटीन पेशेंट्स आते हैं जो ये ऐसा हिस्ट्री कुछ देते नहीं हैं उनको भी हम कहते हैं कि क्योंकि ये सब कोरोना का चल रहा है, आपका अगर अर्जेंट ट्रीटमेंट है कुछ है तो वो हम करेंगे, अदरवाइज बाकी ट्रीटमेंट के लिए आप 15 दिन के बाद आप आइए, ऐसा बोला जाता है पेशेंट को जी। क्योंकि जैसे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो अर्जेंट नहीं होते, जैसे दांत की सफाई करना या कुछ आड़े टेढ़े दांत को लाइन में लाना, ये अर्जेंट नहीं है और इसके लिए अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट करने बैठेगा तो डॉक्टर के साथ बाकी वो रूम के सभी बाकी पेशेंट हैं या बाकी जो डॉक्टर्स हैं सभी को इन्फेक्शन हो सकता है। और अभी इस स्टेज पे जब हमको ये इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, जो गवर्नमेंट ने अभी निकाला है कि अपने को ये 2 हफ्ता बहुत ही सेंसिटिव रह के अपने को इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, उसके लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट है, देश में कई सारे डेंटल हॉस्पिटल हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं चेकअप करने के लिए, तो बाकी दफ्तरों के लिए या बाकी स्कूल कॉलेज के लिए जैसे गाइडलाइन दी है, क्या वैसी गाइडलाइन इस डिपार्टमेंट के लिए या इस विभाग के लिए भी होनी चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसे गाइडलाइंस हमारा जो डेंटल एसोसिएशन है उसकी तरफ से गाइडलाइंस आए हैं और उनके हिसाब से ही हमारा काम करना शुरू है। लेकिन जैसे जो पेशेंट आते हैं और जिनका इमरजेंसी है उनका शुरू है, बाकी पेशेंट्स को हमारा वही सलाह है कि आप बाद में आइए।
आपको ऐसा लगता है कि ये भी डेंटल जो डिपार्टमेंट है ये भी कुछ दिनों के लिए बंद होना चाहिए, या फिर बहुत ही रेयर जो इमरजेंसी पेशेंट है उसको ही देखा जाना चाहिए, क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बंद होता है तो बहुत ही अच्छा है, उससे फिर हम 90% बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। अगर जो इमरजेंसी केसेस है उन्हीं को ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे सवाल को जवाब दिया। तो ये HOD थी इस डिपार्टमेंट की, और ये इनका भी कहना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका मतलब संसर्ग होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है इसमें डिपार्टमेंट में, जो भी मरीज आता है अगर वो ग्रसित है कोरोना से, तो क्योंकि इसका जो संपर्क है, इस ट्रीटमेंट का, पूरे ट्रीटमेंट का जो संपर्क है वो डायरेक्ट मुँह से होता है, और इससे बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि अगर वो ग्रसित है तो उससे दूसरे डॉक्टर या फिर कोई दूसरे मरीज जो है या अदर जितने भी कर्मचारी हैं वो ग्रसित हो सकते हैं। तो शासन और प्रशासन ने इस पर ध्यान देकर कोई अगर महत्वपूर्ण गाइडलाइन अगर निकालते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, कोरोना की आशंका के चलते हम आज दंत महाविद्यालय में आए हैं, और हमने डीन से भी बात की, हम यहाँ के HOD से भी बात हुई हमारी, और अभी हम आपको इस मशीन के पास लेकर आए हैं। ये मशीन एक्सरे मशीन है, जो भी मरीज होता है, जो भी दांत का पेशेंट आता है उसको यहाँ पे बिठाया जाता है और उसके मुँह में हाथ डाल के उसका एक्सरे निकाला जाता है। तो जब कोई पेशेंट, आशंका ये है कि जब कोई पेशेंट अगर कोरोना ग्रसित आया यहाँ पे और उसके मुंह में हाथ डाल के अगर एक्सरे वगैरह निकाला, तो जाहिर सी बात है कि वो जो डॉक्टर है जो एक्सरे निकाल रहा है तो उसको या तो ये ग्रसित कर देगा या फिर वो उसके हाथ में ग्लव्स भी है तो वही ग्लव्स पहन के दूसरे पेशेंट का एक्सरे यहाँ पे निकलेगा। तो इससे ये जो आशंका है, मतलब कि इस कोरोना वायरस के फैलने की जो आशंका है वो डेंटिस्ट विभाग में सबसे ज़्यादा है, और इसके ऊपर कोई भी किसी तरह की गाइडलाइन सरकार की अभी तक शासन और प्रशासन की नहीं आई है। हालाँकि कॉलेज जो है, डेंटल कॉलेज जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन जो पेशेंट है, जो मरीज़ है दाँत के, वो रोज़ आ रहे हैं। हालांकि अभी HOD ने बताया है कि जो इमरजेंसी मरीज है वही हम ले रहे हैं, लेकिन ये इनके हिसाब से ही ले रहे हैं। वो सरकार की और प्रशासन की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप इतने दिनों तक ये बंद रखो या फिर ऐसे ही पेशेंट का इलाज करो जो आवश्यक है या जो इमरजेंसी है। तो इसीलिए हम ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आना चाहते थे कि इसकी तरफ शासन और प्रशासन का ध्यान जाए, और इसके लिए कोई खास ठोस गाइडलाइन जो है वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट बनाए। तो अभी हम रूट कैनल डिपार्टमेंट में हैं, ये दंत महाविद्यालय है नागपुर का, और यहाँ पर कई सारे पेशेंट रोज़ अपना ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। हम लगातार इस स्टोरी में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट कितना अहम है। कोरोना वायरस का जो भय पूरी दुनिया में फैला है और उसके एहतियातन जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसकी एहतियात यहाँ पर बरतना कितना ज़रूरी है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ इस डिपार्टमेंट की HOD है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पर अगर कोई मरीज़ आता है तो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं और वो ग्रसित है या नहीं है, इसके लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए ये क्या क्या करते हैं, इसकी जानकारी हम इनसे लेंगे। किस तरह का काम आपका होता है रोज़ का, और कोई पेशेंट अगर आता है चेकअप करने तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? धन्यवाद, आपने इस कोरोना COVID-19 ये इतना संसर्गजन्य रोग जो फैला हुआ है समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक है, और इसके लिए आपने ये उठा है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और मैं डॉक्टर वराट पांडे, विभाग प्रमुख दंत शल्य शास्त्र, शासकीय दंत महाविद्यालय रुग्णालय नागपुर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरे डिपार्टमेंट, और ये मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ में खड़ी हुई है, वो हरदम मेरे साथ में खड़ी रहती है। अभी इस डिपार्टमेंट में चांदी भरना और रूट कैनाल ट्रीटमेंट देना ये हमारा काम है, और हम ये इस धरती पर हम काम करते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो भले कुछ भी आ जाए पर हम तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमें छुट्टी चाहिए, हमको बस पेशेंट की मदद करना है, और हमको हमारे माध्यम से हमको ये चाहिए कि हमारे कारण पेशेंट को संसर्गजन्य रोग है तो ये फैलना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने कुछ हमारे अधिष्ठाता से हमको कुछ आदेश मिले हैं, उस हिसाब से हमने एक कार्य प्रणाली यहाँ पे बनाई है जिसमें कि COVID-19 एक स्टेशन बनाया है जहाँ पे हर पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाती है,
उस स्क्रीनिंग में उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या तकलीफ़ है, आपको सर्दी है, खांसी है, आपने प्रवास किया है या आप कोई बाधित के साथ में यहाँ पे आए हैं, ये सब पूछताछ की जाती है। ना ही सिर्फ पूछताछ की जाती है पर इसको एक ये फॉर्म हमें मिला हुआ है, इस फॉर्म में उसका पूरा हमारे जो मेरी टीम है वो टीम में 5 लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो पूछते हैं हर पेशेंट से, ठीक से अच्छे से प्यार से बात करते हैं, उनमें कोई डर नहीं लाते हैं, उनको अच्छे से समझाया जाता है और ये फॉर्म भरा जाता है। इसमें जब हमें कुछ पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव मतलब कि अच्छा, पेशेंट के हिसाब से अच्छा, कोई भी सिम्टम अगर मिलता है, सिम्टम यदि मिलता है तो उसको तुरंत नोडल ऑफिसर और आगे की प्रक्रिया के लिए उसे भेजा जाता है, उसको सब संभल के समझ के बताने के बाद। और जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, उस पेशेंट जिसको हम ओल्ड पेशेंट कहते हैं, उसकी हम तकलीफ़ दूर करते हैं। सिर्फ इसमें तकलीफ़ जब हम दूर कर रहे हैं तो मेनली हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी कि जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा सूजन है और वो बहुत दूर से कुछ आया है, तो उसका हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रूटीन ट्रीटमेंट देने में हम थोड़ा नहीं देख रहे क्योंकि इसमें पूरी जांच ये लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं, पर अभी हमने सोमवार से ये सब बहुत शुरू किया है। उसमें सोमवार को हमारे यहाँ 104 नए पेशेंट आए हैं और ओल्ड पेशेंट 39 आए हैं, और उससे थोड़ा दूसरे दिन थोड़ी संख्या घट गई है, उसमें 35 हुए हैं और आज 34 पेशेंट हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये कोरोना की वजह से पेशेंट की संख्या भी घटी है? हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर, ये कोरोना के कारण पेशेंट की संख्या घटी हुई है क्योंकि उनमें एक डर है, और वैसे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उनको भी समझ में आ गया है कि यदि हमको कुछ तकलीफ़ है और हम वहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है हॉस्पिटल से हमको कुछ तकलीफ आ जाए या हमारे कारण कुछ हो जाए, तो ये डर के कारण तो थोड़ा हुआ है। आपको कितना प्रतिशत लगता है कि कोई अगर ग्रसित पेशेंट यहाँ पे आता है तो अगर एहतियात नहीं बरता गया तो कितना प्रतिशत पॉसिबल है कि उससे वो जो संसर्ग है वो दूसरे तक जाएगा? आपके डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो 100%, इसलिए हम ये बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि क्या है कि इसमें ऐसा है कि पेशेंट की हिस्ट्री जो हम ले रहे हैं पर हम वो सावधानी ले रहे हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर तो तब तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो आप कह रहे हैं कि 100% इसका संसर्ग हो सकता है, ऐसा क्यों? हाँ हो सकता है क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स जो गिरेंगे, कोई खांस रहा है, ये जैसे फॉर्म मैंने भरने के लिए दिया है वो इस पे आ गया है और उसका हाथ ये डॉक्टर को लग गया, दूसरे कोई पेशेंट को लग गया, तो उससे तो लगने वाला है ना, वो तो होने ही वाला है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और हम पूरी तरह से हमारी कोशिश कर रहे हैं और हो सकते हैं भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो डिजीज़ है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए एंड हमको ये चेन को ब्रेक करना है। इसलिए हम सब लोग, मैं मेरे डिपार्टमेंट के सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि सब लोग, यानी आज भी एक पेशेंट आई थी, आप मैडम बताएंगे कुछ कि उसमें एक पेशेंट आई थी, उसको बुखार था और उसमें वो बोल रही थी कि नहीं मेरे ट्रीटमेंट करवा दो, उसकी इमरजेंसी नहीं थी, वो बार बार यही कहे जा रही थी, तो हमारी पूरी टीम ने उनको बराबर समझाया, उसके फादर भी बोल रहे थे कि नहीं मेरे को ट्रीटमेंट करवा नहीं है, आप क्यों ऐसे बोल रहे थे, हमने उनको बराबर समुपदेशन किया, उनको समझाया और उनको यहाँ का GMC जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर मेडिसिन के लिए अगली जाँच के लिए बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगी मैडम, थोड़ा सा अनुभव बताइए कि किस तरह के पेशेंट अभी आपके यहाँ आ रहे हैं और उनको किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कि बहुत गहरी कैविटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कैविटीज़ हैं, तो उन लोगों का हम लोग कैविटीज़ जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे उससे हम सिर्फ क्लीन कर रहे हैं और उसमें हम उनको ड्रेसिंग डाल के भेज रहे हैं ताकि उनको आगे पेन ना हो, उनको पेन किलर्स दे रहे हैं और उन सबको हम रिकॉल के लिए 30 तारीख के बाद बुला रहे हैं। 30 तारीख? हाँ, 30 के बाद। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम उन्हें दे रहे हैं उससे उनको पेन होगा नहीं, उनकी जो थोड़ी बहुत जो डीप कैविटी है यदि हम उसे क्लीन कर देते हैं तो उनका 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया है, तो जो बाकी की जो पक्की फीलिंग है उसके लिए हम लोग 31 तारीख तक उनको रुके हुए हैं, बाद के अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ताकि उतने पेशेंट्स कम हो जाएं। बाकी बेसिक लेवल पे ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं हम लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये दंत महाविद्यालय है, नागपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। डेंटिस्ट की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में सीधा संपर्क पेशेंट के या मरीज के मुंह से आता है, और अगर कोई ग्रसित पेशेंट यहाँ पे आता है, वैसे डॉक्टर ने लोगों ने तो साफ कर दिया कि यहाँ पे बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उनकी पूरी जानकारी ली जाती है और तभी उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर गलती से एहतियात नहीं बरता और गलती से अगर कोई ग्रसित पेशेंट आया यहाँ पे, तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इससे 100% चांसेस है संसर्ग होने के, कोरोना के। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर कोई गाइडलाइन आते हैं, ठोस गाइडलाइन आती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जो हैं डॉक्टर, यहाँ के सभी डॉक्टर अपने तरफ से ही जो भी एहतियातन जो भी चीज़ें करनी थी वो पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। स्टरलाइजेशन रूम है, जो भी पेशेंट पे हम काम करते हैं, जिस भी औजार से काम करते हैं, उसका परफेक्ट ऑटोक्लेविंग होना चाहिए। उसके लिए एक हमारे पास ये ऑटोक्लेविंग मशीन है, एक ये है। लेकिन जिस हैंडपीस से हम दांत में सफाई करते हैं, उस हैंडपीस को भी ऑटोक्लेव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन जा सकता है। उसके लिए हमारे पास ये छोटा वाला जो अंदर है, ये हैंडपीस है। इसको हम जब शुरू सुबह काम करना शुरू करते हैं, पहले वो ऑटोक्लेव होता है, उसके बाद काम होने के बाद उसको रख देते हैं, फिर से बाद में जो नेक्स्ट करना होता है ऑटोक्लेव होता है। तो हमारे पास ये ऑटोक्लेव की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, तो थोड़ा हमारा सेफ्टी प्रोसीजर भी अच्छा है। ये डेंटल चेयर है जहाँ पर हम सब पेशेंट का, जैसे चांदी भरना या रूट कैनाल करना, ये सब ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं, और बाकी सभी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होती है हर पेशेंट। अभी जो फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पानी और थूक ये आती है, इसलिए एयर रोटर का हम इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं। मतलब इससे संसर्ग होने का ज्यादा चांस है। जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें ये यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण एरोसोल निर्माण होता है। वो एरोसोल से दूसरे के प्रति वो लाल में जो बैक्टीरिया रहेंगे, तो दूसरे को उसका संसर्ग हो सकता है, इसलिए हाँ बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए ये हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे, वो इतने स्पीड वाले नहीं दे रहे, कम हाथ से कर रहे, कम स्पीड वाले इसमें कर रहे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम करके वाले जो हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज कर लेते हैं, इसके बाद इसको रैप करके उसको स्टरलाइज करते हैं। ये जो है, ये हमारा हैंडपीस है जो मैडम ने बताया, उसको फिर कैसे करेंगे, वो तो एक से दूसरे में जाएगा, उसका वो अलग से छोटा हैंडपीस वो उसमें है, उसका स्टरलाइजेशन उसमें जाता है, और उसमें दो छेद है, उस हैंडपीस में, इस हैंडपीस में दो छेद है बारीक से, जब पेशेंट के मुंह में ये चालू होती है मशीन, इधर से पानी निकलता है, तो वो पानी दांत पे जाता है, तो पानी उड़ता है, पेशेंट का भी उड़ेगा, सलाइवा भी उड़ेगा, तो इससे इन्फेक्शन का ज्यादा चांस है, इसलिए इसको अब हम अवॉइड कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल से ग्लास पैन के धो लिए, इसमें स्टरलाइज करके क्लीन भी क्लीन करके उसको स्टरलाइज स्पिरिट्स के टेंस हैं, स्पिरिट से क्लीन होता, पानी से करते, स्पिरिट से करते, और ऑटोक्लेव में डाल देते उसको, और सब जने अपने सेफ हो जाते हैं उससे। बहुत ज्यादा एहतियातन आप सामने तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कि सभी को पता है कि कोरोना वायरस का जो भय है या इसके प्रति जो शंका कुशंकाएं हैं, वो तमाम हर इंसान के मन में उठती है, और इसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज हम डेंटल हॉस्पिटल में हैं नागपुर के, और इस हॉस्पिटल में हजारों मरीज रोज आते हैं, तो इस हॉस्पिटल डेंटल के ज़रिए क्या इसका संसर्ग हो सकता है, क्योंकि इसका संबंध जो है डायरेक्ट मुंह से आता है, जो भी मरीज आता है इसका डेंटल का, तो उसके मुंह का ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, मुंह में एक्सरे के लिए हाथ डालना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे साथ अभी इस महाविद्यालय के डीन हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शंकाएँ हैं इस पर इनका क्या कहना है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे लोगों की शंकाएँ हैं, कई सारी अफवाहें भी हैं लोगों में, इसमें कोरोना वायरस जो है, इसमें जितनी ज़्यादा एहतियातन हम सतर्कता बरतेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, तो मेरा ये पूछना था कि डेंटल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो मरीज़ आता है उसका इलाज करने के लिए डायरेक्ट उसके मुंह से संपर्क होता है, तो क्या इससे इसका संसर्ग होने की आशंकाएँ बढ़ती है? दरअसल बात ऐसी है क
कि कोरोना वायरस जो है ये 400 से 500 माइक्रोन का है और इसका वजन ज़्यादा है, तो ये जो है ये हवा से एक दूसरे के सांसों से नहीं फैलता है। ये जो भी जहाँ पर भी ये वायरस सेटल हो जाता है, ज़मीन है, टेबल कुर्सी है या और कोई सरफेस है मेटल का, उस पर वो सेटल होता है और उस पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे जीवित रह सकता है, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए जो एहतियात बरतनी है वो जो कहा है कि अपने हाथ धो, बार बार हाथ धोना है और अपने जो पूरे कपड़े है उनको रोज़ के रोज़ धोना है, वही कपड़े नहीं पहनना है। तो इसलिए ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मुंह खोलने से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को या पेशेंट से डॉक्टर को नहीं होगा, ये सांसों से नहीं फैलता है। नहीं, सांसों की नहीं है, मेरा कहना ये था कि अगर कोई मरीज़ आता है, अगर वो मान लीजिए वो ग्रसित है कोरोना से और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके मुंह में हाथ डालते हैं वगैरह वगैरह, तो ये जो ट्रीटमेंट है उसके लिए तो हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ग्लोव है, हमारे पास मास्क है, कैप है, ग्लासेस है, गाउन है, और हम ये जो इनका इलाज करेंगे, इनको तो पहले यदि स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री लेंगे और जो सस्पेक्ट है उसको हम आइसोलेट करते हैं, और यदि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो ही ट्रीटमेंट देना है। तो क्या यहाँ पे आने वाले हर पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है पहले? बिल्कुल हो रही है, हमारे यहाँ हमारे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने ये स्क्रीनिंग का कक्ष खोला है और हर नया पेशेंट हमारे वो डिपार्टमेंट में स्क्रीन होके ही बाकी जगह जाता है, और जो पुराने पेशेंट है वो यदि जाते हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, तो हर डिपार्टमेंट में भी हमने ओपीडी में स्क्रीनिंग कक्ष खोल रखा है और हर रुग्ण को वो स्क्रीनिंग होने के बाद ही उसका, और इमरजेंसी यदि है ज़रूरत तो ही ट्रीटमेंट किया जाने वाला है, वरना जो ट्रीटमेंट को हम 8-15 दिन आगे कर सकते हैं उन सब रुग्णों को हमने क्वारंटाइन के मेजर्स के हिसाब से 15 दिन बाद ही बुलाया है अप्रैल में। क्या कोई सरकार की कोई गाइडलाइन है, जैसे कि जनरल गाइडलाइन जो होती है कि हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, वैसे आपके डिपार्टमेंट के लिए कोई गाइडलाइन है? क्योंकि इमरजेंसी तो नहीं है लेकिन उसको बंद भी नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई पेशेंट आता है तो कोई दांत का फ्रैक्चर है या कोई इमरजेंसी केस है तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको हम टाल तो सकते हैं ना, मतलब इतना भी इमरजेंसी ये विभाग नहीं है, तो इसके तहत कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आई है या आपने कोई ऐसा सुझाव दिया है गवर्नमेंट को? नहीं, ये सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ तो हमने कॉलेज शुरू रखने के लिए और पूरे सारे डिपार्टमेंट खुले रखने के हिसाब से और सारे डॉक्टर्स ने काम पे आने के हिसाब से मंगाई है। पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में जो गाइडलाइंस है वो तो सर्वमान्य गाइडलाइंस है, जो हम ये कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव नहीं भी होता है तो हम फॉलो करते हैं। ये 5 बैरियर जो हमने कहे वो हर पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ हम सारे के सारे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यहाँ हम जिनको इमरजेंसी है उन्हीं को ट्रीट करने वाले हैं। जैसे कि किसी का दांत किसी का फ्रैक्चर हो गया है, किसी को मवाद निकल रहा है, किसी को एब्सेस हो गया है, किसी को जैसे कि मेडिकल वालों ने भेजा है चेकअप के लिए, उन्हीं का हम यहाँ इलाज करने वाले हैं। यानी हर डिपार्टमेंट में जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वही हम देने वाले हैं। बाकी ऐसे देखा जाए तो 10 में से 9 पेशेंट को इमरजेंसी नहीं होती है, जिसको एक को इमरजेंसी रहेगी उसको हम एहतियात बरत के और ऑफिसर्स ऑन कॉल हमने रखे हैं, वो ऑफिसर आएंगे, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उससे हम पूरा लेखा जोखा लेंगे और उसको यहाँ नीचे या तो अपने डिपार्टमेंट में जाके पूरे एहतियात बरतते हुए और पूरा बैरियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, जैसे कि सरकार और प्रशासन का आदेश है कि तमाम जो दफ्तर है वो बंद रखे जाएंगे या फिर घर से काम अगर होता है तो किया जाएगा, उसी तरह से स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रखे गए हैं 31 तारीख तक, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस विभाग को भी थोड़ा सा बंद नहीं लेकिन थोड़ा सा शिथिल या कुछ करने की? बिल्कुल सही जवाब है आपका। बात दरअसल ऐसी है कि हमारा कॉलेज भी है और हमारा हॉस्पिटल भी है, तो कॉलेज को हम बंद कर सकते हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की हमने परीक्षा नहीं पोस्टपोन कर दी है, उनके क्लासेस हमने पोस्टपोन कर दिए हैं, डेफर कर दिए हैं, संस्थगित कर दिए हैं 15 दिन के लिए, और उनको हमने घर जाने की अपने अपने इस पर अनुमति भी दे रखी है।
हॉस्टल में जो लोग हैं उनको भी हमने अपने अपने रिस्क पे घर जाने की अनुमति दे रखी है, इसलिए हम विद्यार्थियों को तो कॉलेज में नहीं बुला रहे और ना ही उनके पेशेंट्स करने उनको लगा रहे। जो इमरजेंसी पेशेंट है उन्हीं को हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं, और उस हिसाब से हमने जो हमारे फैकल्टी है, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है और हमारे जो डॉक्टर्स है उनको ही ड्यूटी पे कायम किया है, विद्यार्थियों को हमने छूट दे रखी है। लेकिन हॉस्पिटल होने से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम जो हम वाइड स्प्रेड ट्रीटमेंट देते थे उसको हम कर्टेल करके देंगे, इमरजेंसी ही देंगे, रोज़मर्रा की नहीं देंगे। क्या संदेश रहेगा आखिर में जनता को? जनता को यही संदेश रहेगा कि यदि आपको डेंटल इमरजेंसी है तो ही आप डेंटल कॉलेज में आइए, वरना 15 दिन बाद आइए, क्योंकि अभी हम सबको एहतियात बरतना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि हम जो स्टेज में से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के गुजर रहे हैं उसके मुताबिक हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में रहेंगे और सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन का पालन करेंगे उतना ही हमको संसर्ग नहीं होगा और ये संसर्ग का वाइड स्प्रेड नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि जितनी हम एहतियात बरतेंगे उतना ही इससे बचा जा सकता है, लेकिन सरकार की ओर से भी कुछ गाइडलाइन अगर आ जाती इस विभाग के लिए तो अच्छा होता और बेहतर होता, कि जैसे कि अभी बातचीत में सामने आया है कि इमरजेंसी ही काम हो रहा है, बाकी लोगों को बाद में बुलाया जा रहा है, तो एहतियात जितना बरतेंगे शासन प्रशासन हो या फिर सामान्य जनता हो उतना ही हम इस कोरोना वायरस का मुकाबला बड़े ही मजबूती से कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा है कि यहाँ पर हम अलग अलग डॉक्टरों से मिले हैं, यहाँ के डीन ने हमसे बात की, यहाँ पे के जो HOD है उन्होंने बात की, और ऊपर रूट कैनल की जो HOD थी उनसे भी अभी अभी हमने बात की, जो इंस्ट्रूमेंट है इनके काम करने के ट्रीट करने के वो भी आपको दिखाए किस तरह से पेशेंट को मरीज को ट्रीट किया जाता है। तो ये सारा जो हमारा उद्देश्य था वो बस इतना ही था कि देश में हर जगह कोरोना वायरस का जो भय है और जिसके दहशत की तहत आज पूरी दुनिया है उसके लिए किस तरह से एहतियात बरता जाए, और ये जो डिपार्टमेंट है डेंटल डिपार्टमेंट ये बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज़ आता है अपने दांत का ट्रीटमेंट करने उसके सीधे सीधे मुंह में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मुंह में हाथ डाला जाता है, तो इससे जो इक्विपमेंट है जो मशीन्स है जिससे ट्रीट किया जाता है उससे वो मुँह की जो लार है वो भी इधर उधर फैलती है, तो इससे अगर कोई यहाँ पर ग्रसित पेशेंट आता है कोरोना वायरस का तो उसका संसर्ग अन्य लोगों को होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, 100% संभावना है, जैसे कि कई डॉक्टर लोगों ने हमें बताया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है अभी तक, लेकिन डॉक्टर ही खुद होके अपनी ओर से जितना भी एहतियात बरतना है जितनी भी सावधानी बरतनी है वो सावधानी बरत रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही था कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उन्होंने इस डिपार्टमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए, और इस डिपार्टमेंट के लिए कोई ठोस गाइडलाइन की ज़रूरत है तो वो निकालना चाहिए, और डॉक्टर तो वैसे अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, बस तुम्हारी और हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से हमेशा धोए, और जब भी बाहर जाते हैं भीड़ में जाते हैं तो मास्क पहन के जाए। कैमरामैन मयूर के साथ मैं नीलेश ओंकार, जमुदीप प्रोडक्शन के लिए।